नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार सरकार ने अपर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का किया तबादला। बिहार सरकार ने अपर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। अगर शिक्षा सेवा के यह सभी अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर स्थापित होते हैं, हालांकि उन सभी 296 पदाधिकारियों की सेवा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को वापस कर दी गई है। सेवा वापसी के उक्त सभी 296 पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशासनिक आवश्यक के आलोक में पद स्थापना किया गया है। इन पदाधिकारियों को अंतरिम व्यवस्था के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध पद स्थापना किया गया है, जिसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को रेलवे की आधारभूत संरचना में सुधार की बड़ी सौगात दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेलवे का ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। इस ब्रिज के चालू हो जाने से करीब 9 दशक बाद कोसी और मिथिलांचल वासियों का आपस में रेल मार्ग जुड़ जाएगा। नेपाल सीमा के पास ये ब्रिज का रणनीतिक महत्व भी है। संक्रमण के काल में इसके निर्माण से प्रवासी मजदूरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से संबंधित 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर चुके हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम का संबोधन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उठाए गए कदम कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और बिचौलिए के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार ने सरकारी सेवक को अपने ऊपर दर्ज मामलों की जानकारी देने की कही बात। नौकरी के दौरान किसी सरकारी सेवक पर दर्ज होने वाले मामलों की जानकारी विभाग को देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने से सरकारी सेवक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ऐसे कर्मियों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। सरकारी सेवकों द्वारा दर्ज किए गए जानकारी के अनुसार ऐसे मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष और प्रमंडलीय आयुक्त डीएम और जिलों के एसपी को पत्र जारी किया गया है। जानकारी छुपाने पर कदाचार माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक सरकारी सेवक के सेवा काल में उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है या न्यायालय में मामला दायर होता है तो उसे इसकी जानकारी अपने विभाग को देनी होगी। बंगाल के आर्टिस्ट ने बनाया सुशांत सिंह राजपूत का मोम का पुतला। सुशांत सिंह राजपूत ने 4 महीने पहले कथित तौर पर अपनी जान दे दी थी। हालांकि मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में सुशांत 14 जून को संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे, वहीं अब तक उनके चाहने वाले इस मामले को भूल नहीं पाए हैं। लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच में जुटी सीबीआई टीम कई बातों का खुलासा कर चुकी है। शुरुआती जांच में इसे कुछ और ही माना जा रहा था, मगर अब जैसे जैसे बातें सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना नहीं है। इस पूरे मामले में एनसीबी और प्रवर्तन निदेशालय भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के सोल के रहने वाले मूर्तिकार सुकांतो रॉय ने सुशांत के मोम का स्टैचू बनाया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह स्टैचू अपने म्यूजियम के लिए बनाया है। वहीं रॉय ने कहा है कि अगर सुशांत का परिवार चाहेगा कि ऐसा ही कोई स्टैचू उनके पास हो तो वो बनाकर उनको देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे को एटीएस का डीआईजी किया नियुक्त। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे को एटीएस के डीआईजी के रूप में नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें, शिवदीप लांडे वर्तमान समय में एंटी नार्कोटिक सेल के डीएसपी है। वो 2006 बैच के आईपीएस अफसर है। इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में परसा गाँव में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। शिवदीप तो भाइयों से बड़े हैं। इसके साथ ही शिवदीप के माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। शिवदीप लांडे की परवरिश बेहद मुश्किल हालातों में हुई थी। परिवार के आर्थिक हालात तो खराब ही थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं होने से उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। स्कॉलरशिप के मदद से शिवदीप लांडे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में रहकर यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसके बाद उनके यूपीएससी में क्लियर हो गया था। वहीं बिहार कैडर के आईपीएस फिर वो चुने गए थे। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को बिहार के 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रदेश की सड़कें चौड़ी होने वाली है। वहीं नदियों पर पुल के अभाव में लोगों का सड़क मार्ग से आवागमन बाधित नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक 350 किलोमीटर लंबे इस सड़क की परियोजना में कुल मिलाकर 14,258 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सड़क परियोजना के पूरा होने पर बिहार के 11 जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पटना, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर जिला के रहने वाले निवासियों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। योजनाओं के पूरा हो जाने से सामानों का ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाएगा। 12वीं पास के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड में होगी नियुक्ति। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की है, जिस पर आवेदन 18 सितंबर यानी कि आज तक आखिरी मौका है।
इन पदों में 12वीं पास के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो इस नौकरी के लिए जा सकते हैं। वहीं आधिकारिक वेबसाइट www.oil-india.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2020 से ही शुरू हो गई थी, जो कि आज यानी कि 18 सितंबर 2020 तक वैध है। कांग्रेस MLC प्रेमचंद्र मिश्रा निकले COVID-19 पॉजिटिव। कांग्रेस MLC प्रेमचंद्र मिश्रा COVID-19 की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। वहीं COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग इन दिनों उनके संपर्क में आए हैं वो खुद की जांच जरूर करवा लें। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मेरी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, घर पर ही आइसोलेशन में खुद को डॉक्टर के परामर्श से रखा है। इन दिनों मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं उनसे आग्रह है कि वो भी अपना जांच करवा ले। आपको बता दें COVID-19 की चपेट में अब तक राजनीति के कई लोग आ चुके हैं। पुल के टूटने पर तेजस्वी यादव ने सरकार को लिया फिर से आड़े हाथ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कभी भी तारीख का ऐलान किया जा सकता है। वही चुनावी मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानबाजी लगातार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सरकार पर लगातार निशाना साधे हुए हैं। वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार के विकास के मॉडल पर उन्होंने निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि किशनगंज जिला में करोड़ों की लागत निर्माणाधीन सुशासन पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। देखते हैं 15 साल की भ्रष्टाचारी सरकार और 7 घोटालों के प्रबंध संरक्षककर्ता श्री नीतीश कुमार और सुशील जी देश का दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसको देते हैं। वहीं उनके इस ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट में #ActOfNitish का इस्तेमाल भी किया है। तेजस्वी यादव चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले लगातार बिहार सरकार की कमियां गिना रहे हैं, ताकि चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जा सके। मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान किया जारी। बिहार में मॉनसून की गतिविधि अभी भी सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे तक बिहार में मौसम में अभी परिवर्तन की संभावना नहीं देखने को मिल रही है। फिर भी राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर बिहार में 1-2 जगह पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोशन कुमार के अनुसार पिछले 24 घंटे में मॉनसून की गतिविधियां सक्रिय रहे। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और कुछ जगह पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक बारिश पश्चिम चंपारण में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं अब बिहार में 1068 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कमला नदी पर पुराने रेल सह सड़क पुल का 27 को होगा उद्घाटन। मधुबनी के झंझारपुर आरएस स्थित कमला बलान नदी पर दशकों पुराने बने रेल सह सड़क पुल का जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे पहले इस पुल का स्वरूप भी बदल दिया गया है। पुल से गुजरने वाले रेल पटरियों को हटाकर ढलाई कार्य किया जा रहा है, जबकि अब पुल से केवल सड़क यातायात की व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य पुल निगम की प्राइवेट इंजीनियर दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो गया है। आने वाले 27 सितंबर तक इस पुल को सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें बिहार राज्य पुल निगम द्वारा 1,72,00,000 की लागत में इस पुल का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ था। COVID-19 में फैले माहौल की वजह से पुल के जीर्णोद्धार कार्य में रुकावट आने की वजह से इस पुल का काम विलंब हो गया और इसे विलंब का सामना करना पड़ा था। चिराग पासवान को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है भाजपा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जल्द ही तारीख का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं भाजपा लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सभी पक्षों के खिलाफ जमकर विपक्ष मोर्चा खोल दिया है। वहीं चिराग पासवान के मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीते दिन भाजपा के मीडिया सेंटर में चुनावी प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस को निशाने पर लिया, मगर चिराग पासवान के बागी तेवर पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि NDA 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन चिराग पासवान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। भाजपा के रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने पर उठाए सवाल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। इसी क्रम में भाजपा नेता रामकृपाल ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री होने के दावेदार पर ही सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो नेता होता है उसके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की ताकत होती है, वो वही कर सकता है। तेजस्वी यादव में यह गुण नहीं है, उनके एकमात्र योग्यता यही है कि वो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि चांदी की चम्मच लेकर तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं, उनके एकमात्र योग्यता लालू प्रसाद यादव का बेटा होने की है, इसके अलावा और कोई पहचान है कहां। विराट कोहली का जलवा लगातार है कायम। IPL 2020 से पहले ICC ने वनडे प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजों की ICC वनडे रैंकिंग में टॉप स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे। दरअसल बेयरस्टो को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज के दौरान अपनी शानदार पारी खेलने का इनाम मिला है। वहीं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज है। गौर करने की बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने
काफी लंबे अरसे से कोविड-19 के चलते कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है। उनके बावजूद विराट कोहली का जलवा आईसीसी वनडे रैंकिंग में कायम है। दरअसल आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली 871 अंकों के साथ पहले स्थान पर मौजूद है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में हुए 96,000 से ज्यादा मामले दर्ज। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 96,424 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 52,14,677 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में 1,174 मरीजों की जान चली गई है, जिसके बाद कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 84,372 पर पहुंच गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान समय में पूरे देश में 10,17,754 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि सिर्फ सितंबर महीने में अब तक 15,93,432 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 19,903 लोगों की जान जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कल आयोजित होने वाले आईपीएल मैच में किस टीम के जीतने की ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।